नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार सरसों की आवक देखने को मिल रही है। हमारे साथ में जो मंडी के व्यापारी हैं पप्पू भाई प्रधान जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज कितनी सरसों की आवक मंडी में हुई है और कितने क्या भाव है मंडी में। जी पप्पू भाई, आपका बहुत बहुत आभार। आपका चैनल किसानों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक उठाता है और आप बाजार के भाव लोगों तक पहुंचाते हो। आज मंडी में करीब 4200 कट्टे के लगभग की आवक रही है। आज के बाजार नीचे में 4600, ऊपर में 50 से 5050 तक के माल बिके हैं। 5200 रुपए का 42 लैब पे माल आज बिके हैं। हमारे यहाँ पर आज आवक इसलिए कम रही क्योंकि एक तो यहाँ पर आज नॉमिनेशन हुआ है दोनों बड़े दलों का, और साथ साथ इन दिनों में रोजा चल रहा है। ये एरिया मेवात का एरिया है, जहाँ अधिकतम हमारे एरिया में सरसों की बुआई जो होती है वो एक जाति विशेष जो हम यहाँ मेव जिन्हें कहते हैं उनकी बुआई होती है। तो रोजे के टाइम में उन लोगों का घर से कम निकलना होता है, इसलिए आज आवक कम रही। अभी सरसों लगभग उम्मीद ये है कि 2 महीने तक पूरी इसी पोजिशन चलेगी, और सरकार के द्वारा अभी सरकारी खरीद चालू नहीं हुई है। सरकारी खरीद भी जल्दी चालू होने की बात है। 22 तारीख से सरकार के ऑनलाइन होना चालू हो गया है। सरसों जो खरीद होती है ऑनलाइन जो सरकार के बूथ होते हैं उन्हीं पर ही तुलती है। अन्य राज्यों की तरह मंडी में सरसों सरकारी खरीद नहीं होती है। अभी सरसों के जो बाजार है वो स्थिर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यही स्थिर बाजार रहे तो किसानों को नुकसान होगा, और अगर आने वाले समय में भाव नहीं बढ़े तो किसानों को नुकसान हो सकता है। इस बार स्टॉक होने के चांसेस कम है, तेल की पूरी मांग है, और सरसों रोज जितना आ रहा है वो सब बिक जाता है। उतार चढ़ाव देखा जाता है, इसलिए देखा जा रहा है। इंटरनेशनल बाजार हो गए, बाहर का तेल आता है वो मिक्सिंग होता है, उस पर भी निर्धारित होता है। इंटरनेशनल बाजार होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर ही यहाँ पर सरसों बिकती है, क्योंकि तेल का जिस तरह भाव होता है वैसे सरसों बिकती है। तो अभी यही लोकल लोकल सरसों आती है हमारे यहाँ पर। अलवर भरतपुर का जो माल है वही ज्यादा आता है। वैसे तो मंडी सभी जगह है, सभी जगह आवक है, लेकिन अलवर में भी काफी आवक होती है। हमारे यहाँ पर अलवर भरतपुर में करीब 40 मंडियां हैं जिनमें सरसों की आवक होती है, जो सरकार के द्वारा स्थापित मंडियां हैं। आगे किस तरह के भाव रहने, आगे उम्मीद नजर आती है कि यही पोजीशन चलती है, लेकिन उसके बाद यह है कि लास्ट टाइम में कुछ बाजारें बढ़ने चाहिए, बाजार बढ़ेंगे तो किसान को लाभ मिलेगा, लेकिन अभी बाजार 5000 के इर्द गिर्द चलती है। हमारे साथ में मौजूद थे पप्पू भाई प्रधान जी, व्यापारी नितिन शर्मा अलवर।